अस्सलाम वालेकुम या अहले कुबूर, तमाम कब्र वालों को अस्सलाम वालेकुम। हम सबको भी यहीं पे ही आना है। आप सब लोग पहले आ गए, हम आपके बाद आने वाले हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कब्र ही गायब है, हमारे दादा का कब्र ही गायब है। हम लोग आए हैं, ये दीवार यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ना, ये पीछे, ये यहाँ पे पहले नहीं था, ये अभी बना हुआ है। और हमारे दादा का कब्र ही गायब है, इसी लाइन में था। ये पूरा लाइन है ना स्ट्रेट में, ये सारे कब्र आपको नज़र आ रहे हैं, इसी लाइन में स्ट्रेट ही यहीं पे था ये, लेकिन आगे दीवार आ गया। हमारे दादा का कब्र ही गायब है। नाम का जो शंख होता है वो भी लगा हुआ था टाइल के साथ, वो भी गायब है। कब्र भी बिल्कुल गायब है। मुझे बिल्कुल याद है, हम यहीं पे ही आए थे। ये वाला बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के नीचे ही दादा का कब्र होता था। अभी यहाँ पे ही नहीं है, बराबर वाले कब्र हैं, लेकिन दादा का कब्र ही गायब है। हम लोग काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं, कब्र गायब है। पता नहीं इसके ऊपर ही दीवार चढ़ाया है या शंख वगैरह निकाल के फेंक दिए हैं लोगों ने, कब्र गायब है। नियाल अभी भी ढूंढ रहे हैं अंदर भी जाके, लेकिन नहीं मिल रहा है, इस साइड में पूरा नहीं है। नियाल नहीं है ना, गायब है। मुझे पता था तुम इतने टाइम बाद आ रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा। नहीं है नियाल, क्या हुआ? एक तो गर्मी है, दूसरा कब्र नहीं मिल रहा है, क्या हुआ? अरे ये वाला नियाल उठाएगा ना, इसको छोड़ो, वो मैं उठाऊंगा, उसको छोड़ो, वो भले रखा हुआ है। नियाल उस तरफ देखो, उसके अंदर, हाँ उधर जाके। नहीं है भाई, वहाँ पे भी आखिरी चक्कर उस कोने में लगाते हैं, वहाँ पे नहीं मिला, फिर यहाँ से निकलते हैं दादी के कब्र के साइड, वहाँ पे फिर जाएंगे। नहीं है नियाल, एक तो मुझे समझ नहीं आता है, इस कब्रिस्तान में भी इनको बट के रहने, वो बाउंड्री निकालने का क्या जरूरत है कब्रिस्तान में, यहाँ पे सब आके एक हो जाते हैं। यहाँ पे भी बाउंड्री निकाले हैं लोगों ने कि आप लोग अलग हो, हम लोग अलग हो। क्या सोच है लोगों की यार। नियाल छोड़ो, उस साइड नहीं है ज्यादा, वहां पे मत जाओ, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखो, ये पता नहीं किसका है, ये सारे कब्र नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल छाव है, ये दरख्त बना हुआ है किसी ने, बिल्कुल काट के बनाया हुआ है, और इस साइड में बिल्कुल छाँव है। यहाँ पे बैठ के आपको मज़ा भी आएगा। इस साइड तो नहीं था नियाल, नहीं ये दोस्तों यहाँ पे नहीं है, दादा का कब्र गायब है। देखो क्या ज़माना है, पता नहीं कब्र जो ऊपर से मिट्टी डाल दिया, कुछ किया होगा, मतलब अपने लिए जगह बनाया होगा, दूसरे का काम बिगाड़ा है। चलो निकलते हैं यार नियाल, मदर गेल उठाया नहीं। आधा घंटा हो गया वहाँ से निकलने के बाद, दादी की कब्र ढूंढ रहे थे, अभी मिला। इतनी गर्मी है, एक तो ये देखो, ये घर से मैंने पहले ही टॉवल उठाया है पसीना सुखाने के लिए, बहुत गर्मी है। हम लोग कल आने वाले थे, कल भी कैंसिल किया, हम लोगों ने बोला कल गर्मी नहीं होगा, आज भी गर्मी है, आज से ज़्यादा है, कल से भी ज़्यादा गर्मी है आज। कहाँ है नियाल? हाँ वो हो रहा, देखो सिर्फ ऊपर का लगा हुआ है, बस टाइल और शंख लगा हुआ है, नहीं हटाओ, ये ऊपर झाड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं, बस ये ऊपर से हल्का हल्का साफ करो, बस सही है। दादी की कब्र का कब देखो, सिर्फ ये लगा हुआ है, बस नाम का जो प्लेट है ना, सिर्फ ये लगा हुआ है। साइड के ये सारी चीज़ें लोगों ने हटाए हैं, बस इनका बस प्रोग्राम ही बन रहा है, कुछ दिनों में ये भी हटाएंगे, कब्र गायब, नया जगह इनको मिल जाएगा किसी और को दफनाने के लिए। ले आओ नियाल कुछ पत्थर वगैरह, ले आओ साइड में रखेंगे। क्या हुआ? क्या करें अब, ये तो लगेगा मदर, अंदर ऐसे साइडों में सिर्फ रखते जाओ। हाँ इस तरीके से, हाँ ऐसे ऊपर करके बस ऐसे नहीं, हाँ सही है, साइज से उठ लेते जाओ नहीं, ये रहा पीछे, हाँ ये रखो मदर यहीं पे, तब तक एक मिनट, तुम छाँव में बैठो मदर, तुम्हारा भरोसा नहीं है भाई, गिर जाओगे, गर्मी बहुत है। मेरा हालत खराब हो रहा है, बैठो एक जगह में, लो नहीं यहाँ से, हाँ ना लाओ लाओ, कम से कम पांच या छह दाने लाओ, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा है यार। रखो ना नियाल, ये पता नहीं यहाँ पे किसका नया कब्र बन रहा है, ये रेती भी रखा हुआ है और वो चूना रखा हुआ है, ये रहा ना, ये बना हुआ है, ये रेती और चूना अभी भी रखा हुआ है, छोड़ दिया यहीं पे, ये नया मेहमान आया है इनके बीच। हाँ नियाल सही है, एक नल पाँव के साइड भी रखो नियाल, लोरा ये कुल्ला हुआ पीछे उस साइड, आगे के साइड, पाँव के साइड एक वहाँ पे रखो, मैं ला के दे रहा हूँ।
मदर पानी का बोतल लाओ, ये वाला नहीं ये वाला बड़े वाला। हाँ इलाके में जो दुर्गामत को आप लोग तो सब जानते हैं ना, जो विलोक में मस्ती वगैरह करता है सब कुछ करता है, ये उसके अबू की कब्र है। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी रेहान रखो ना साजिद, यहाँ पे पानी दिया यहाँ पे भी रेहान रखेंगे। हाँ सही है साजिद, हम लोग उसको भी ला रहे थे, दुर्गामत को भी ला रहे थे, लेकिन वो पता नहीं कल आया है नहीं, वो इस टाइम मदरसे में होगा, हम लोग को आ गए। क्या हुआ भाई गर्मी से हालत खराब है। चलो चलो उठाओ, मेरी नानी का कब्र है, मामू लोग यहाँ पे, मामू वाले कल आए थे लेकिन अम्मी ने पहले ही बोला है आप लोगों को भी यहाँ पे दोबारा जाना है, तो भाई यहाँ पे आना तो पड़ेगा, अम्मी ने बोला है। पानी लाओ नान, हाथ के ऊपर फेंकते जाओ। बस नहीं सही सही, मज़ार कितना मरतबा, कितनी मरतबा पानी पी रहे हो, दूसरी मरतब है, दूसरी तीसरा मतलब तीसरा मरतब है, ये खत्म नहीं करना मदर, हमें भी पीना है बेटा। गर्मी अदा बोल, हाँ गर्मी तो खतरनाक है। अब अंदर जाना है, चलो भाई अब अंदर, इस साइड शायद थोड़ा हम लोग को चाव मिले, बाकी तो भाई गर्मी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। चाव में आके ऐसा सुकून मिल रहा है, मैं तो बोलता हूँ यहीं पर बैठते हैं शायद, ये गली के अंदर बहुत गर्मी है भाई, आना तो यहीं पर, ये बात है। अच्छा जो अभी पीछे ये पीछे कब्र दिखाया, ये मेरी नानी का कब्र था, और मैंने सबसे सुना है, अपनी से सुना है, अपने अब्बू से सुना है, और अपने सारे घर वालों से भी सुना है कि खानदान में आपकी नानी आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, और जिस दिन उनका इंतकाल हुआ था तो सामान वगैरह देखते हैं कि क्या रखा हुआ है, तो जब उनका दराज खोला था दो दिन बाद या तीन दिन बाद, तो उसके अंदर भी, उनके दराज के अंदर भी मेरे लिए सामान रखे हुए थे, मेरे जूते रखे हुए थे नए जो उनको मुझे देने थे, मेरे लिए केक रखे हुए होते थे, मैं रोज़ाना वहाँ पे जाके उनसे केक लेता था, क्योंकि उनका आधा खानदान ईरान में होता था, मकरान में, या मुझे याद नहीं, अम्मी बोलती थी, तो जितना भी सामान आता था वो सब कुछ मेरे लिए होता था, मेरा हिस्सा निकलता था फिर किसी और को मिलता था, जब तक मैं कुछ नहीं खाऊँ या मैं कुछ नहीं उठाऊँ किसी को भी कुछ नहीं मिलता था। तो खैर इस उम्र में हम लोग उनके प्यार के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये है कि हम लोगों ने बहुत मोहब्बत देखा है, बहुत प्यार देखा है, तो ये अल्लाह का शुक्र है। अब इस दुनिया में नहीं है, याद बहुत आते हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम जिनसे मोहब्बत करते हैं वो इस दुनिया में नहीं है, आप उनके लिए खाना तो नहीं बेच सकते, कपड़े नहीं बेच सकते, तो उनके लिए नमाज़ पढ़ें, नफल पढ़ें, सही दुआ करें उनके लिए, वो उन तक पहुँचता है, बाकी कुछ भी नहीं पहुँचता उन तक। आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़े उनके लिए, उनके ऊपर ईसाले सवाब करें, ये सब कुछ उन पर पहुंचता है, बाकी आपका कोई पैसा कुछ भी उन तक नहीं पहुंचता। अगर आपको मोहब्बत है आप टाइम निकाल के उनके लिए ये करें, बस अब ज़्यादा इमोशनल नहीं होता हूँ मैं। ये मेरी पप्पो का कब्र है, मेरी पप्पो नहीं है, मेरी अम्मी है, क्योंकि मुझे इन्हीं नहीं पाल, इन लोगों ने ही पाला है, और नियाल वहाँ पर जो पानी दे रहे हैं वो मेरे पप्पो के शोहर हैं। ये भी दो साइड ऊपर का टाइल्स, हाँ ये भी साफ करो नेल, यहाँ पे भी फेंको, इनके ऊपर भी, और जो साइड में है ना हमसा है उनको भी दो। साजिद तुम भी यहाँ पे भी, इसके ऊपर भी रखो, पोपो के ऊपर भी, पोपो कवर के ऊपर भी, और साइड में जो है ना हमसा है उनके ऊपर भी रखो। हाँ खोलो खोलो, इनको तोड़ के रखो।
हाँ सर काम करो आज चलो, गर्मी सिर्फ तुम्हें लग रहा है, हम लोग को गर्मी नहीं लग रहा है। हाँ साइड में भी थोड़ा थोड़ा पानी फेंको, इनके ऊपर भी रेयान वगैरह रखो, नियाल जैसे रख रहे। खोलो ना तुम, उठाओ ना तुम, तेली क्यों रख रहे हो, तेली नीचे रखो, इसके अंदर से निकालो। हाँ इसके इसके ऊपर रखो, ये बराबर वाले के ऊपर रखो वहाँ पे। हाँ ऐसे खोलो खोलो, हाँ तोड़ के, हाँ थोड़ा वहाँ पे रखो उस साइड। साजिद को भी दो, कब से मैं ही काम कर रहा हूँ, तुम लोग भी थोड़ा हाथ चलाओ। वहाँ पे उस साइड उसके ऊपर, हाँ यहाँ पे रखो, हाँ बस सही है। हाँ पानी फेंको ना इनके ऊपर, गैलन में अगर बचा हुआ है तो फेंको वरना छोड़ो। खत्म हो गया रेहन, बस तेलियाँ उठाओ साइड में फेंको। नियाल में एनर्जी है भाई, नियाल एंड तक काम करता है, नियाल का ये काम मुझे बड़ा पसंद है। मदर रो मत, रो मत, दुआ करो उनके लिए, अम्मी अबू के लिए दुआ करो, रो मत, दुआ करो, दुआ करो, रो मत, कुछ नहीं होता बेटा, दुआ करो, दुआ करो, रो मत, दुआ करो। चलो मदर चला गया आके, मदर थोड़ा इमोशनल हो गया, हम लोग वहाँ से उठ गए जल्दी जल्दी। मेरे जो पप्पो है ना, वो साजिद और मदर की अम्मी है, मतलब मुझे भी उसी ने पाला है, मैं भी ज़्यादातर उन्हीं के पास ही था। वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों को अल्लाह जल्दी अपने पास बुला लेता है, तो उनके साथ भी यही हुआ, छोटी सी उम्र में अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तो अब मदर रो रहा है, इमोशनल हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी वहाँ से उठ गया। और माप लोगों को मैं अभी बता दूँ, इस व्लॉग के अंदर मज़र ट्विन है, ट्विन मज़र का जो जुड़वा भाई है वो फोत हो चुका है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं अभी, वरना ये ज़्यादा रोएगा। अभी ये छोटा है, ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, अभी आगे नियाल इसको ले गया, बार बार रो रहा है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। छोटा है, मैंने बोला लाऊँगा थोड़ा, यहाँ पर दुआ करेगा, कुछ करेगा, छोटे बच्चों की दुआ जल्दी कबूल होती है, लेकिन ये इमोशनल हो रहा है, सेंटी हो रहा है, तो बस निकलते हैं। वैसे भी गर्मी बहुत है, वो है भाई ये गर्मी में आग किसने लगाया है यहाँ पे, ये यहाँ पे लोग जल रहे हैं, लोगों ने आग लगाया है। आप बोलो क्या, हरी मस्जिद के पास चोला जला रहे हैं, ये गर्मी है नियाल, ये गर्मी में लोग पिघल रहे हैं, और पता नहीं पीछे आग किसने लगाया कब्रिस्तान में, पागल है, बात खत्म हो, तो हटा के यहाँ से हटो, कब्र के ऊपर जला रहे हैं, पता नहीं अंदर उनका क्या हाल है, ये ऊपर भी, ऊपर से भी आग जला रहे हैं उनके ऊपर, वो कुछ जला हुआ है, शरबत पीना है बोलो, इतना गुंजाइश नहीं है। मदर पीना है, क्या हुआ शरबत? साजिद भाई को बोलो, बोलो इतना गर्मी लगा है आके लेट गए हो, हालत खराब है। साजिद भाई को पूछो, बोलो हालत खराब है गर्मी से। पूछो पूछो, बोलो हालत खराब है, आओ गर्मी लगा है। सर काफी हालत खराब है, देखो लाइट बंद करके अंदर बैठा है, बस अभी बाहर नहीं निकलो, जब तक लाइट नहीं जाएंगे ऐसे करके अंदर बैठे रहो, मैं तो जा रहा हूँ अभी ऊपर लेटने है। को लाइट अभी आई है और मेरा हालत खराब है, कैमरा में अपनी तरफ नहीं करूंगा। मजर खुद ही स्लोगन लगाओ जल्दी, मैं अपने तरफ तो नहीं कर रहा हूँ, मैं पसीनो, हम जहाँ बसते हैं।